यहाँ पर जो शाही परिवार की औरतें होती थी, जो लेडीज होती थी, यहाँ पर अपने गहने और सोना चांदी जो पहनी होती थी यहीं पर निकाल के रखती थी। उसके बाद यहाँ पर आकर वो कपड़े चेंज किया गया जो है सर की सास को या शाही परिवार को नहाने की जगह थी। ये देख सकते हैं कितनी गहरी टंकी थी उस समय। यह पूरा वहाँ पर एक बहुत बड़ी कढ़ाई होती थी जिसके ऊपर पानी रखकर, कढ़ाई में पानी रखकर गर्म किया जाता था। उसके बाद उस गर्म पानी को वहाँ से इस जो होल है इसके जरिए इस जो बाथ टैंक है इसमें डाला जाता था। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल नेफरिस्टो ब्लॉग में। मैं अरविंद सिन्हा आज आपको लाया हूँ जौनपुर में, जो उत्तर प्रदेश का एक शहर है, एक प्रसिद्ध शहर माना जाता है। यहाँ पर शासकों द्वारा काफ़ी शासन किया गया था। आप हमारे पीछे देख सकते हैं एक शाही हमाम। यहाँ पर आज की वीडियो हम यहीं से शूट करेंगे, आपको हम आज शाही हमाम के बारे में बताएँगे। हमाम में आ गए जो सर की शासकों ने यहाँ पर बनाया था। ये आप जो हमाम का है हम आपको चारों तरफ दिखाते हैं। हमाम का पूरा जो डिज़ाइन ऐसे बनाई गई है, ये चारों तरफ आप देख सकते हैं। ये डायमंड शेप का जो आपको यहाँ गुंबद में आपको डिज़ाइन देखने को मिलेगी, यह सर की सासों के द्वारा एक पहला ऐसा हमाम बनाया गया है। यहाँ पर हमारी आवाज़ आपको गूंज रही होगी। कारण इसका यह है कि जो इस पूरे हमाम का जो मेन मुख्य जो इसका गेट बनाया गया है, उसके सटे में इसके दरवाजे हैं, इसकी डिज़ाइन के हिसाब से यहाँ पर आवाज़ गूंज रही है। आप इसमें देखेंगे डायमंड से का यहाँ पर आपको आकृतियाँ घेरी गई हैं। यहाँ की जो डिज़ाइन बनाई है आप देखेंगे यहाँ पर जगह जगह आपको ऐसे जो ताके जिसे होल ऐसे बना है, यहाँ मसाल जलाने के लिए और इसी में दिए जिसको पहले जहाँ पर यहाँ मसाल या दिए जलाए जाते थे इसे पूरे रोशनी करने के लिए। आप हमारे साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो डिज़ाइन है, जो पुरानी इमारतें बनाई जाती हैं जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक के ज़माने से लेकर जो 14वीं शताब्दी की जितनी भी इमारतें बनाई गई या उनके बाद लोगों ने जितनी भी अपनी विरासत में इमारतें बनाई उसमें आपको ये डिज़ाइनें बखूबी देखने को मिलेंगी। जैसे कि ये डायमंड सिल्वर डिज़ाइन और ये जो मस्जिदों की जाती है जो होने वाली डिज़ाइन, ये भी आपको देखने को मिलेगी। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं कुएं से डायरेक्ट यहाँ से पानी यहाँ से होते हुए सीधा इस वाले टंकी में होकर जा रहा था। एक अष्टकोणी एक टंकी बनाई गई है जहाँ पर पानी यहाँ पर आकर इकट्ठा होता था। आप उसकी जो डिजाइन देखी है यहाँ से जब पानी गिरता था तो यहाँ से गिरते हुए एक जो छलछलाहट जैसे झरने की आवाज़ आती है, यहाँ से जब पानी गिरेगा तो एक झरने की आवाज़ आपको यहाँ से सुनाई देगी, जो इसमें बहुत ही खूबसूरत जब आवाज़ें घुसती थी तो ऐसे लगता था कि आप एक झरने में या फिर झरने के आसपास बैठे हुए हैं। तो ये जो डिज़ाइन बनाई गई थी स्पेशली इसी के लिए इसको बनाया गया था। तो गाइस अब हम आपको अंदर लेके चलते हैं जो शाही हमाम बनाया गया है, और आपको दिखाते हैं इसके अंदर का पूरा किस हिसाब से और किस डिज़ाइन से इसको बनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब इसको बनाया गया था एक ख़ास बात का ध्यान रखा गया था यहाँ पर, ताकि यहाँ पर गर्मियों में आपको ठंडा महसूस हो और सर्दियों में आपको गर्म महसूस हो। तो हम आपको यहाँ पर एक दिखाना चाहते हैं। आप जो मेरे सामने देख रहे हैं यह लेडीज़ चेंजिंग रूम हुआ करता था, जब यहाँ की औरतें जो शाही औरतें थी जो शाही परिवार था यहाँ पर नहाने के बाद यहीं पर वो अपना वस्त्र या फिर अपना जो कपड़े होते थे वो यहीं चेंज किया करते थे। तो आइए हमारे साथ और हम आपको दिखाते हैं अंदर। गाइस यहाँ पर जब नहाने के बाद जब बाथ का जो पानी होता था, जो टंकी का पानी होता था, गंदा होने के बाद जो पानी को निकासी की जाती थी, ये वाला रास्ता आप देख रहे हैं उस समय बनाया गया था। अभी भी ये आपको थोड़ा जगह पर देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ जगहों पर खराब हो चुका है, फट चुका है मिट्टी से। तो हमाम का जो मेन जो हिस्सा है उसमें आ गए हैं।
और आपको यहाँ पर दिखाते हैं चारों तरफ से यहाँ पर किस हिसाब से पूरी डिज़ाइन बनाई गई है। जैसे कि हमने आपको बताया था, मेन हिस्से में आने के बाद आपको चार पांच कमरे देखने को मिलेंगे, उसमें से ये पहला कमरा है जहाँ पर लेडीज़ हमने कपड़े चेंज किया कर दी थी। इसके बाद आप हमारे इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पर जो सर्की शासक के लोग रहते थे, जो शाही परिवार के लोग रहते थे, यहाँ पर नहाने के बाद एक्सरसाइज किया करते थे। ये पूरा कमरा आप देख रहे हैं। उसके बाद हम आपको इस साइड में दिखाना चाहेंगे, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं सर्की शासक के जो लोग रहते थे, जो शाही परिवार रहता था, यहीं पर वो स्नान किया करते थे, यहीं पर वो नहाया करते थे। तो गाइस ये वाला जो है सर्की शासकों या शाही परिवार को नहाने की जगह थी। ये देख सकते हैं कितनी गहरी टंकी थी उस समय। यह पूरा आप देख रहे हैं दो तल पे बनाया गया है, एक करीब करीब 2.5 फीट, उसके बाद 2.5 फीट करीब इसकी जो गहराई थी 4.5 से 5 फीट की गहराई आपको देखने को मिली। यहाँ पर आप जो देखेंगे ये वाला हिस्सा, यहाँ से पानी टंकी में होके जाता था, जो वहाँ बाहर कुआ है जो हम आपको अभी दिखाएंगे, जो कुआ बनाया बाहर था उसको दिखा के, कुएं से पानी यहाँ आता था और यहाँ से होके इस टंकी में भरता था, तब जाके यहाँ पर वो लोग शाही स्नान। दोस्तों आप ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ पर यहाँ मसाले जलाए जाते थे, यहाँ पे दिया जलाया जाता था। जब यहाँ अंधेरा होता था तो यहीं पर दिया जला के शाही परिवार अगर शाम को रात में स्नान लेते थे तो यहीं पर रोशनी की जाती थी। दिन में जो सूर्य की किरणें जो रोशनी होती थी यहाँ पर इस रूम में कैसे आती थी, तो आप हमारे ऊपर देखेंगे एक छोटा सा कोमल बनाया गया है, यहाँ से सीधी सूर्य की किरणें यहाँ पर पड़ती थी, यहाँ उस कमरे में पूरी रोशनी करती थी। इसकी भी जो डिज़ाइन आप देखेंगे सेम वही डिज़ाइन बनाई गई है जैसे और भी इमारतों में, जैसे कि अभी आपको बाहर वाले हिस्से में दिखाया था, वैसी ही डिज़ाइन आपको पूरे चारों तरफ के कमरों में देखने को मिलेगी। तो गाइस जो शाही परिवार की औरतें थे स्नान करने के बाद इन कमरों से होते हुए इन कमरों में वो आ रहे थे अपने कपड़े को चेंज करने के लिए, अपने वस्त्र को चेंज करने के लिए। हम आपको ये वाला रूम दिखा रहे हैं, काफ़ी बड़ा रूम बनाया गया है। दोस्तों हम आपको यहाँ की कुछ डिज़ाइनें आपको दिखाएंगे जो आप पहले कभी नहीं देखे होंगे। यहाँ पर आप देखिए ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो शाही परिवार की औरतें होती थी, जो लेडीज होती थी, यहाँ पर अपने गहने और सोना चांदी जो पहनी होती थी यहीं पर निकाल के रखती थी, उसके बाद यहाँ पर आकर वो कपड़े चेंज किया करती थी। आप ये देखेंगे ये छोटा सा हिस्सा बनाया गया है, यहाँ पर वो बैठ भी सकती थी अगर उनको बैठना होता था। जैसा कि हमने आपको बताया था इस हमाम में चारों तरफ से यहाँ रोशनी का बखूबी ध्यान रखा गया है, इस पूरे हमाम में रोशनी करने के लिए। आप ऊपर भी देख सकते हैं छोटा सा रोशनदान बनाया गया है जहाँ से सूर्य की किरणें सीधी इस रूम में पड़ रही है, इससे पूरे रूम में उजाला होता है। तो दोस्तों हम जो शाही पुरुष थे या जो शाही लोग थे जहाँ स्नान करते थे राजा महाराजा या फिर उनके शाही परिवार के लोग, हम उस कमरे को आपको दिखाने जा रहे हैं। हम उस कमरे में आ चुके हैं और आप देखेंगे ये शाही परिवार के लोग जहाँ पर स्नान किया करते थे, ये बड़ा सा का बात जो आप देख रहे हैं काफ़ी ये गहरा बनाया गया है और इसमें नीचे जाने के लिए कुछ सीढ़ियाँ भी बनाई गई हैं अगर आप पूरी तरीके से नीचे जाना चाहते हैं। दोस्तों ये वाला छोटा होल जो सीधा जाके जहाँ पर कनेक्ट होता था वहाँ पर एक बहुत बड़ी कढ़ाई होती थी जिसके ऊपर पानी रखकर, कढ़ाई में पानी रखकर गर्म किया जाता था। उसके बाद उस गर्म पानी को वहाँ से इस जो होल है इसके जरिए इस जो बाथ टैंक है इसमें डाला जाता था। इसके बाद अगर पानी ज़्यादा गर्म होने के बाद, ये वाला होल आप तो देख रहे हैं ठंडे पानी का होल है, यहाँ से आप जो यहाँ पर ठंड का ज़्यादा गर्म पानी होता था तो यहाँ से ठंडे पानी को मिलाकर इसे नॉर्मल टेम्परेचर पर लाया जाता था जब यहाँ के लोग शाही स्नान किया करते थे। आपको बताया था ये शाही स्नान का जो रूम है इसके जस्ट बगल में आप देखेंगे यहाँ पर जो दूसरा रूम बनाया गया है, यहाँ पर जो शाही परिवार के लोग या फिर जो राजा होते थे वो यहाँ से नहाने के बाद यहाँ पर आते थे, इनका एक्सरसाइज रूम या फिर इसको मालिश रूम भी कहा जाता है। यहाँ पर आने के बाद ये लोग अपना मालिश करवाते थे, एक्सरसाइज करवाते थे और यहीं पर इनके दास जो यहाँ के राजा होते थे उनको पूरी तरीके से मालिश देते थे। तो चलिए हम आपको दूसरे कमरे में दिखाते हैं। दोस्तों ये दूसरा वाला रूम है, यहाँ पर लोग बैठते थे, ये देखिए बैठने का पूरा स्थान बनाया गया है,
यहाँ पर सीढ़ियों के आकार का जो बैठने का स्थान है वो आपको देखने को मिलेगा। कि गुस्लखाने में जैसा कि हमने सभी जो कमरे बनाए गए हैं यहाँ के जो हमाम में पूरी तरीके से इसमें ध्यान रखा गया पूरी रोशनी को अंदर आने के लिए, तो आप ये देख सकते हैं पूरा आप हमारे साथ आ रही है। दोस्तों ये दूसरा वाला कमरा है जहाँ पर पानी को गर्म किया जाता था, यहीं से पूरे जो हमाम है यहीं से गर्म पानी पूरे हमाम में सप्लाई किया जाता था सर्दियों के समय में। तो आप देख सकते हैं ये बड़ा वाला जो हिस्सा आपको देखने को मिलेगा ये जला हुआ, यहीं पर बड़ी बड़ी कढ़ाइयों को रखा जाता था जिसके अंदर पानी को गर्म करके इसके जरिए यहाँ से पानी को अंदर सप्लाई किया जाता था। आप ये वाला होल देख सकते हैं, ऐसे ही आपको ये बड़ा सा होल आपको देखने को मिलेगा जो सीधे कनेक्ट होता है अंदर हमाम में। यहाँ से आपको यहाँ पर दूसरा हिस्सा देखने को मिलेगा जहाँ पर बड़ी कढ़ाई को गर्म किया जाता था, क्योंकि एक कढ़ाई से पूरे हमाम में गर्म पानी सप्लाई नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ पर दो कढ़ाइयाँ बड़ी बड़ी यहाँ पर इस्तेमाल की जाती थी पानी को गर्म करके अंदर हमाम में पहुँचाने के लिए। तो ये वाला आप जो गेट देख रहे हैं ये बाहर से जो यहाँ कढ़ाई चलाते थे जो यहाँ के नौकर होते थे उनको चूंकि अंदर जाने की अनुमति नहीं होती थी तो वो यहीं से अंदर आते थे और यहीं से लकड़ी में जो यहाँ पर जलाते थे जो पानी गर्म करते थे गर्म करके यहीं से वापस चला जाते थे। दोस्तों हम उस वाले कुएं पे आ गए हैं जहाँ से ठंडा पानी को निकाल करके इस कुएं से इस हमाम के अंदर डाला जाता था। तो आप हमारे ये पीछे कुआं देख रहे हैं यहीं से पानी निकाला जाता था और उस हमाम में पहुँचाया जाता था। ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं यहाँ पर पहले पुरातात्विक विभाग वालों ने खुदाई करी थी, तकरीबन यहाँ पर 400 से 500 ईसा पूर्व की कुछ सामानें मिली हैं, किचन के कुछ बर्तन मिले हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ वैदिक काल की सभ्यता का भी निवास हुआ करता था। इसके बाद में यहाँ हड़प्पा सभ्यता की कुछ यहाँ पर पुरातात्विक खुदाई में अवशेष मिले हैं, जिससे कहा जाता है यहाँ दो सभ्यताएं विकसित हुई थी। उसके बाद यहाँ पर बाद में जो शासक थे इस टीले के ऊपर अपना यहाँ पर किला बनवाए रहने के लिए। तो हम आपको दूसरा कुआं दिखाते हैं जहां से गर्म पानी करके इस हमाम के अंदर डाला जाता था। तो आप हमारे साथ आइए, हम दूसरे वाले कुएं में आ गए हैं जहां से पानी निकाल कर इमाम के तरफ हमाम के तरफ भेजा जाता था जहां पानी को गर्म किया जाता था। ये इस वाले कुएं से पानी निकाला जाता था, ये नाली है यहां से पानी निकाल कर यहाँ छोड़ा जाता था, इस नाली से होते हुए पानी इस टंकी में जाता था, इसके बाद यहाँ से दूसरी वाली टंकी में जाता था। यहाँ जब पानी एक्स्ट्रा हो जाता था तो इस वाले टंकी में जाता था, इस वाले टंकी का पानी बाद में यहाँ के जानवरों को पानी पिलाने के लिए यूज़ किया जाता था। ऐसी व्यवस्था थी इस पूरे नाली प्रणाली की कि अगर यहाँ का पानी एक्स्ट्रा होता था तो यहाँ पर जो पानी कलेक्ट होता था उस पानी को यहाँ के जानवरों और पक्षियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था ताकि जो पानी हो ज़्यादा बर्बादी ना हो। तो आप ये हमारे साइड में दूसरा हिस्सा यहाँ देखेंगे उसी वाले नाली से कनेक्ट होकर ये दूसरा वाली नाली बनाई गई है। यहाँ पर यहीं से पानी हमाम के अंदर जाता था जो बाद में कढ़ाई में गर्म करके आगे शाही परिवार को इस्तेमाल में लिया जाता था इस पानी को।